हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। और आज का जो मेकअप लुक है वो आलिया भट्ट मैम की है, जो गंगूबाई में उन्होंने ऐसा मेकअप किया हुआ था। तो उनका मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने वाली हूँ क्रिएट, तो बने रहिए वीडियो में। और सबसे पहले मैंने स्किन ग्लोइंग सीरम अप्लाई किया है, उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब में सभी लोग बना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। एंड जो बिगिनर्स है उनको भी थोड़ा कुछ मिल जाएगा वीडियोज़ में, जो जिनको स्टेप्स नहीं आते हैं। बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो है, छोटी सी वीडियो है। अगर आप ये लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप शॉर्ट भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, प्राइमर के बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ करूँ। ये काफ़ी टाइम से मैंने इसे यूज़ नहीं किया था और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब लाइट है ये, बहुत ज़्यादा फेयर कलर में नहीं जाता। बट मैंने फिर भी इसे ट्राई किया कि इसे मैंने पहले भी इस फाउंडेशन से मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था, बट काफ़ी टाइम से किया नहीं था। तो इस बार मैंने ब्लू हेवन की ही की है। और जैसे मैं हर बार हर मेकअप में बताती हूँ, ब्रश से मैंने ब्लेंडिंग की, उसके बाद मैं ब्रश से करने के बाद मैं ब्लेंडर से करती हूँ, तो इससे मिक्सअप बहुत ही अच्छे से हो जाती है। उसके बाद बहुत ही लाइट मेकअप है, इसमें कुछ भी डार्क नहीं है। एंड आलिया भट्ट मैम के जो मेकअप लुक है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर लग रही थी उस मूवी में वो, तो सभी लोग ये वीडियो बना रहे थे मेकअप लुक का, तो मैंने भी ये ट्राई किया। और आप लोग लास्ट तक देख कर मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी एंड आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसीलर कर रही हूँ, क्योंकि माउथ एरिया में थोड़ी सी टैनिंग हो गई है और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो धूप में घर आना जाना पड़ता है लंच के लिए, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग सी लग रही है फेस में। तो माउथ एरिया में मैं कंसील कर रही हूँ एंड आई एरिया में भी थोड़ा सा कर लिया मैंने, अंडर आई एरिया में। उसके बाद तो कंसीलर को मैं सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद इसे कॉम्पैक्ट से मैं लॉक कर दूँगी, जिससे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, तो इससे प्रॉब्लम ना हो। एंड जो भी मेकअप हम करते हैं वाटरप्रूफ होती है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो वाटरप्रूफ होती है, तो फिर भी हमें लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर आप मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट में। तो मैं यहाँ कॉम्पैक्ट से लॉक कर देती हूँ मैं अच्छे से। उसके बाद मैं लाइट ब्लश करूँगी, यहाँ पे डार्क ब्लश नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लाइट किया है, बिल्कुल लाइट, जिससे कि पता ही ना चले, जिससे कि उनका मेकअप लुक ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने किया ही नहीं है, नेचुरल लगती है। तो इसी तरह का मेकअप लुक क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है, और मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे वाटरप्रूफ काजल यूज़ किया है मैंने, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आप आज अप्लाई करते हो तो आपको 2 दिन तक ये काजल रिमूव नहीं होती है। अगर आप पार्टी वेयर, वेडिंग में या कहीं भी जाना चाहते हो पार्टी वेयर में, तो आप ये काजल आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और मैं ब्राइडल्स को भी पार्टी वेयर मेकअप में भी यही काजल देती हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं एंड लोकल मार्केट में आप चाहो तो वहाँ भी मिल जाएगा इजीली। ओके, तो यहाँ पे यहाँ काजल करने के बाद यहाँ पे मैं आईलाइनर कर लेती हूँ। एंड आईलाइनर में मैंने यहाँ पे विंग्स नहीं निकाली है, क्योंकि उनके मेकअप लुक में आप देखोगे तो विंग्स नहीं है उनकी, सिंपल सी है। तो यहाँ पे मैंने आईलाइनर, जिसे हुडेड आइज में जो आईलाइनर अप्लाई की जाती है, बस मैंने वही किया है। और विंग्स बिल्कुल भी नहीं निकाली है, और ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। ओके, तो ये करने के बाद तो जल्दी से चलिए यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद मैं लिपस्टिक करूँगी, और यहाँ पे बिल्कुल भी हाइलाइटर तो मैंने यूज़ ही नहीं किया है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, सभी ने अलग अलग अपनी वीडियो बनाई है और मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने भी अलग बनाई है। तो हाइलाइटर यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और लिपस्टिक का जो कलर है ये मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ, रेड कलर है। तो मेकअप में रेड कलर ड्रेस के अकॉर्डिंग, और हाँ मैंने बताना भूल गई, जो मेरी वो आउटफिट है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, वाइट कलर है। तो ये हमें आउटफिट आपने पहले भी देखा होगा, इसमें शॉर्ट्स भी बनाए हैं मैंने, इंस्टाग्राम में भी शॉर्ट्स बनाए हैं। एंड पूरी वाइट मैं नहीं डालती हूँ कभी भी, पूरी वाइट। आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा ओल्ड सोचती हूँ पहले के ज़माने के जैसे, तो हमारे में पूरी वाइट नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत प्रिंट होना चाहिए। तो मेरी ड्रेस में थोड़ी बहुत प्रिंट है, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये वाली आउटफिट ली थी। वाइट वैसे डालना नहीं होता हमें पूरी वाइट, तो ये वाली आउटफिट ली थी कि मैंने इस मेकअप में भी मुझे वाइट आउटफिट डालनी है। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। यहाँ बिंदी के साइज़ मैंने 2 ली थी, कि मेरे फोरहेड पे कौन सी बिंदी अच्छी लगेगी, जचेगी, तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने लगा ली। तो ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।